आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, और इनका एक ही अज़्म है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। आज जो सैकड़ों लोग खाना घर से मुस्तफ़ीद होते हैं, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? इस सफ़र की शुरुआत जो है बहुत अहम हादसे के बाद हुई कि जब एक माँ ने अपने दो बच्चों को मार दिया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माँ जो है कैसे अपने बच्चों को मार सकती है। तो उसने, मैंने जब सवाल उससे किया तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो मार दोगे। तो एक माँ होने की हैसियत से मेरे लिए ये लफ्ज़ बहुत बहुत ज़्यादा दुख का था। वहीं से मैंने सोचा कि नहीं, कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोएगा। वसाइल नहीं थे लेकिन एक यकीन था अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला मदद करेगा। और मैंने फिर पहला कदम उठाया और खाना घर का आगाज़ किया जहाँ हमने 3 रुपए में खाना देना शुरू किया। करोना के बाद जो हालात हुए हैं वो तो इंतहाई मखदूश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो फैमिली थोड़ा बहुत खाती पीती थी वो भी आज खाना घर पे आती हैं और खाना लेके जाती हैं और रोते हैं वो लोग दो वक्त के खाने के लिए। परवीन जी, कभी मायूस हुई खुद? कभी ऐसा लगा कि आपकी हिम्मत टूट रही है? देखिए, अल्लाह राज़िक है और मेरा तो यकीन इस बात पर है कि मेरा जो खाने घर का जो खाना पकता है वो अगर थोड़ा भी है तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें डाला जाता है पहला चमचा, पहले प्लेट भरी जाती है, तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये 100 खाएंगे, 200 खाएंगे या हज़ारों लोग खाएंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। आखिर में कोई पैगाम लोगों के नाम अगर आप देना? आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैंने 30 साल गुजारे, तो आज मैं रिवॉर्ड महसूस कर रही हूँ।